बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही से पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर आंखों में काली पट्टी लगाकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को सदन में विपक्ष के विधायकों पर हुए हमले का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर फेंका गया वह बहुत निंदनीय है। सरकार का विरोध करना उनका संवैधानिक हक है और वह इसे आगे भी करते रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र बिल का भी विरोध करते हुए सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की। घटना हुई सदन के अंदर, हम लोग अब आंख दिखाने के लायक भी जन प्रतिनिधि जो है वो नहीं रहे, इसलिए हम लोग ने आंख पर पट्टी बांध लिया है और अपनी मांग को रखने आए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने को असहाय महसूस करते हैं सदन और सदन के बाहर, और अपने डिप्रेशन में उन्होंने जिस तरह विधायक को घसीट घसीट के पिटवाया, यह हम समझते हैं देश के इतिहास में पहली घटना थी। इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से विधायकों से माफी मांगना चाहिए और सारे विधायक चाहे वो किसी दल के हो सब। चाईबासा पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कर्मचारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे हुए 11,84,055 रुपए समेत एक बाइक भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 19 मार्च को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर अपराधियों ने निजी बैंक के कर्मचारी से 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। गुमला में युवती के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवती अपनी चचेरी बहन के साथ पैन कार्ड बनवाने छत्तीसगढ़ से गुमला आई थी। पीड़िता ने महिला थाने में दोनों युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। एक लड़की है, वो अपने एक सहेली के साथ आई थी गुमला घूमने फिरने के लिए, तो वो उसी का जो है सहेली का मित्र लोग जो है उसको एक शादी समारोह में ले गया और वहाँ से उसको बोला कि तुमको चलो सोने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। और एक लड़का का नाम है सतीश प्रताप मिंज और उसका एक साथी है दिलीप, दोनों जो है उसको एक झाड़ी नुमा जगह था, वो बगीचा जैसा जगह, उसी में दोनों के साथ बारी बारी से। चाईबासा के झिंकपानी थाना क्षेत्र में आग लगने से दो बच्चियां झुलसकर मौत हो गई उनकी। बताया जा रहा है कि खेल में बच्चों में माचिस की जलती हुई तिल्ली पुआल में फेंक दी गई, जिससे पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दो बच्चियों की झुलसकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से गाँव में मातम पसरा हुआ है। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बली बांध में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला कटकम मसंडाडी प्रखंड के गदोखर पंचायत का है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे बली बांध में नहाने गए थे, इसी बीच एक मासूम अचानक ही डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दूसरे बच्चे उसकी मदद को पानी में कूद गए, लेकिन सभी एक एक कर डूब गए। मामले का पता चलते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 5 बच्चों को पानी से निकालकर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 5 बच्चों में 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का शामिल है। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दवा घोटाला मामले में फरार चल रहे डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को लातेहार जिले के बालूमाथ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर पर चतरा में सिविल सर्जन रहते दवा समेत अन्य मेडिकल उपकरण खरीद मामले में घोटाला करने का आरोप है। बता दें कि चतरा में 1,22,00,000 रुपए का घोटाले में गिरफ्तार डॉक्टर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और दूसरी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां भागलपुर में बम फटने से एक
बच्चा घायल हो गया है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर बलुआबाड़ी स्थित मदरसे के पीछे छिपाकर रखा गया बम बच्चों के खेलने के दौरान फट गया, जिसमें 3 बच्चियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जब बच्चियां मदरसे के पीछे खेल रही थी कि तभी अचानक बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट की आवाज़ सुनने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सभी घायल बच्चों को देखकर इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दी, जहाँ सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चियों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना की वजह से बिहार और झारखंड में प्रशासन हाई अलर्ट है। होली के मौके पर बाहर से आने वाले लोगों की तादाद और कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी पटना में भी अचानक से संक्रमण की लहर और रफ्तार दोनों बढ़ा दी है। मंगलवार को पटना में 50 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें NMCH के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। पटना में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 300 पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में संक्रमितों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।